अगर आपको स्ट्रेस या तनाव देखना हो तो नॉर्थ कोरिया या फिर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उस घर में चले जाइए जहाँ पे बच्चों के बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा हो। और हमारे समाज की एक बहुत ही वाहियात आदत है कि बच्चों के परसेंटेज से उनके माँ बाप के संस्कारों को मापना। ऐसा ही कुछ मेरे घर में चल रहा था। मेरे बोर्ड का 12th का लास्ट एग्जामिनेशन था, लास्ट फिजिक्स का पेपर ही बाकी रह गया था और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं, और फिर भी मैंने जैसे तैसे फिजिक्स का पेपर निपटा दिया। अब हम लोग राह देख रहे थे जून मंथ की, मतलब कि मेरे रिजल्ट्स की। मैं इतनी स्ट्रेस में थी, मैंने रिज़ल्ट देखने के लिए सुबह से उठ के नहा धो के एकदम रेडी रहती और फ़ोन हाथ में लेके ही बैठी थी। हमारा रिज़ल्ट ऑनलाइन आने वाला था। रिज़ल्ट आया 9:40 को, वो टाइम भी मैं भूल नहीं पाऊंगी। आई एम फेल, मैं फिज़िक्स में फेल हो गई थी। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और मैं झट से जाके एक कमरे में खुद को बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाहर से कुछ लोग मुझे आवाज़ दे रहे थे, कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस मैं रोए ही जा रही थी। और मन में इतने सवाल थे कि मैं फेल कैसे हो गई, अब मैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे टीचर्स को, मेरे फ्रेंड्स को फेस कैसे करूँगी, मैं मम्मा पापा को क्या जवाब दूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना रोना आ रहा था और इतना बैड फील हो रहा था कि पूछो ही मत। जैसे तैसे पूरा दिन मैंने कमरे में बंद रह के निकाल दिया। फिर मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा हो गया कि मेरा भाई और मेरी बहन न्यूज़पेपर से वो चीट जिसमें लिखा होता हो कि फेल हो जाने से या रिज़ल्ट कमाने से इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया या यह बच्चा घर छोड़ के चला गया, वो सब फेंक देते थे। मेरे घर में टीवी चालू होना बंद हो गया, न्यूज़ नहीं चलाता था कोई। मेरे घर में एक ऐसा माहौल हो गया था कि मेरे मम्मा पापा को लगता था कि एक रिज़ल्ट की वजह से हम अपनी बच्ची को खो ना दें। मैं अपने काम से काम रख रही थी, मैं मानो कि सांसें तो चल रही थी पर मैं जी नहीं रही थी, ऐसा खुद को बना लिया था। मैंने तो कॉलेज जाने के लिए अपने दोस्तों से मैचिंग कपड़े भी लेके रखे थे और अब मुझे स्कूल ड्रेस पहन के फिर से स्कूल जाना था। मैं अपने उस जूनियर को कैसे फेस करती जिनके सामने कल तक मैं रोब जमाती थी, अब मुझे उनके साथ बैठ के पढ़ना था। इतना टेंशन हो रहा था। फिर भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मैं स्कूल ड्रेस पहना और स्कूल जाने के लिए रेडी हुई। मम्मा मेरा टिफिन बॉक्स और मेरी बोतल लेके मेरे पास आई और मेरे कान में एक बात कही। पापा वो देख रहे थे। पापा ने मुझसे बोला, चलो बच्चा मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है पापा। पापा ने रास्ते में मुझसे बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन देने की कोशिश की, मुझे इतना समझा रहे थे, फिर भी मुझे दिमाग में वो बात चल रही थी जो मम्मा ने मुझे कही थी। मैं कुछ बोले ही नहीं रही थी, रिएक्शन ही नहीं था मेरे पापा की बातों पर। पापा को भी कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि मैं इसे स्कूल तो छोड़ने जा रहा हूँ पर ये वापस आएगी भी या नहीं। स्कूल आया, स्कूल के गेट के सामने मैं और पापा एकदम खड़े थे। मैं बस गेट को देखे ही जा रही थी और पापा मुझे। पापा के मन में ऐसा हो रहा था कि वो मुझे यहाँ पे छोड़ के जाए ही नहीं, उनका मन ही नहीं मान रहा था मुझे स्कूल में ड्रॉप करने के लिए। फिर मैंने अपने कदम स्कूल की तरफ आगे बढ़ाए। बच्चे जो सब मेरी तरफ देख रहे थे, स्कूल के वो गेटकीपर अंकल मुझे ऐसे घूर रहे थे, पर
मुझे वो कुछ नहीं, उस कुछ में इंटरेस्ट नहीं था, बस चले जा रही थी। और पापा वहां से जा ही नहीं रहे थे, वो मुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वापस शाम को मैं अपनी बच्ची को देख पाऊंगा अभी या नहीं। और जनरली ये सभी पेरेंट्स के अंदर डर आ ही जाता है। फिर सडनली मैं मुड़ी और मुड़ के जोर से चिल्लाई, पापा घर जाके मम्मा को कहना कि जब तक मेरे अकाउंट में वो 40,000 रुपये है ना, तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। पापा और मैं सडनली एक दूसरे के सामने देख के, पापा की आंखों से पानी भी जा रहा था और वो हंस भी रहे थे, उन्हें खुशी भी थी और वो आंसू खुशी के ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सडनली ऐसा क्या कह दिया था मेरी मम्मा ने मेरे कान में, जो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिल गया। मेरी मम्मा ने मुझे कान में कहा था, बच्चा फेलियर हो के घर पे बैठने से अच्छा है बार बार ट्राई करके फेल होना।